cut. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी बढ़िया होंगे. तो भाई आज हम जा रहे हैं पठान मूवी देखने. मतलब काफ़ी लोगों का शाहरुख खान भाई बहुत फेमस है. इस मूवी काफ़ी टाइम से बहुत तो चल रहा था, क्या बोलते हैं, विवाद. आज हम देखने जा रहे हैं. तो मतलब मेरे दोस्त हैं, चार लोग जा रहे हैं हम, तो घंटा घर पर मिलेंगे हमें. तो कुछ तो भाई कट्टर सपोर्टर बोलते डाई हार्ट फैन है, और हमें क्रिटिक्स. मुझे मतलब शाहरुख खान एज ए नॉर्म एक्टर पसंद है, मतलब इतना कुछ नहीं है कि मैं उसका फ़ैन हूँ गंदा. तो भाई मैं तो ट्रू रिव्यू दूंगा बिल्कुल. देखते हैं मूवी कैसी है, चलते हैं देखने और देखते हैं कैसी मूवी. तो चलते हैं फिर. अभी मैं सीधा आपको सिनेमा हॉल पे मिलता हूँ, मिलता हूँ फिर आपको सीधा आगे. तो फाइनली गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, एंड यहाँ से निकलते हैं भैया आगे. ये रहा न्यू एम्पायर सिनेमा, यहीं देख रहे हैं, साथ कहीं आ रखे हैं. तो चलते हैं, अभी मिलता हूँ मैं आपको आगे. सीधा सिनेमा हॉल के अंदर दिखते हैं, वहीं से करते हैं भैया सूट. तो फाइनली भाई मूवी ख़त्म हो चुकी है और आ चुके हैं हम बाहर, और हमारे साथ देखिए तीन जन. तो कैसा रहा मूवी? बढ़िया लगी. सारिका आपको कैसी लगी मूवी? क्या थी क्या थी? हाँ को सुना मैंने. और आकृति, आकृति आपको कैसी लगी मूवी? कुछ रिव्यू? मुझे तो बहुत अच्छी लगी. आपको अच्छी लगी? काफ़ी अच्छी लगी है. और कुछ आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखने लायक है? देखने लायक है. हाँ, देखने लायक है. आप कुछ कहना चाहेंगे शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन? आगे सुनिए. मरने लायक है, हम देते हैं रिव्यू. तो भाई देखो मूवी खत्म हो चुकी है, आ चुके हम पूरी मूवी देख के. अब मैं आपको एकदम जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, ठीक है? देखो VFX अच्छा है मूवी में, मतलब एक्शन सीन अच्छे हैं, पर यार स्टोरी वही टिपिकल इंडियन बॉलीवुड स्टोरी, वही रोना इंडियन सोल्जर्स एक ही इमोशनल हो गए, वही है भैया वही है. इसके अलावा कुछ नई स्टोरी लगी नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया कुछ इस स्टोरी में, कोई मज़ा नहीं आया सच बोलो. अभी देखो मूवी के लिए काफ़ी भीड़ चल रही है भैया, अभी भी लाइनें लगी हैं मूवी के लिए, काफ़ी लोग आए हैं अभी भी, एंड अभी हम निकलते हैं यहाँ से. तो भाई आज हम दोबारा रिव्यू करने पे, एंड पीछे हमारे साथ सारिका, हिमांशु, आगे हमारे साथ आकृति जी. देखो भाई मैंने आपको बता दिया टिपिकल इंडियन मूवी है, वही एक्टिंग अच्छी है भाई सबकी, चाहे उसमें वो शाहरुख खान हो, सलमान खान का भी है उसमें एक रोल, और दीपिका पादुकोण की भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करेगी उसमें. बट यार स्टोरी वही इंडियन सोल्जर, वही भारत माता की जय, भाई पता है, मैं सबको पता है, कुछ नया मतलब स्टोरी में कुछ नहीं था. मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब ऑलरेडी इन देर इन द एंड क्या होगा, कोई प्रिडिक्ट कर सकता था आसानी से. और ये भैया डाई हार्ट फैन है, ये सुन भी नहीं पा रहे भैया उसकी. अब नहीं मुझे पता है कि स्टोरी वही थी, टिपिकल थी और एक्टिंग अच्छी. भाई देखो मैं आया था खाली एज अ क्रिटिक्स, मतलब मैं देखने आया था कि कैसी मूवी है, क्योंकि मैं शाहरुख खान का मतलब अच्छा लगता है मुझे, पर मैं ऐसा डाई हार्ट फैन नहीं हूँ. हिमांशु आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसी लगी मूवी? तो बढ़िया थी, मतलब सच बोलो, सच डरने की जरूरत नहीं किसी से. मैं किससे डरूंगा, मतलब एक्टिंग तो सबकी बढ़िया थी. और सारी का कुछ बस बढ़िया. बस बढ़िया क्या, मतलब सही थी मूवी. तुम्हारा पैसा लगा था क्या उसमें? तुम बस बढ़िया हो. हां टिकट दे उसमें. हां हमारा तो लगा था, हमारा भी लगा था, हमें ऑफर की गई थी हम आ गए. तो मतलब जाओ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जो मजा आया बहुत, मतलब मजा आया है, बट जो मतलब कुछ सोचे जा रहा है मतलब कि कुछ खतरनाक होगा ऐसा कुछ नहीं है, वो है मतलब एक्शन सीन बढ़िया है. और एक चीज बोलूं मैं, VFX मुझे वो कंबल वाला डाई हार्ड फैन था वो आया, VFX मुझे फिर भी उसका ब्रह्मास्त्र से अच्छा VFX लगा भैया. ब्रह्मास्त्र में हर चीज ओवर दिख रही थी, इन्होंने हर चीज परफेक्ट यूज करी थी कि मतलब ऐसा ओवर सा लग रहा था कुछ, बट कुछ कुछ चीजें थी. बट वो तो पता है आपको इंडियन बॉलीवुड मूवीज होती हैं, बट स्टोरी मेरे को लगा कुछ अलग सी होगी. बट वही जिसने टाइगर जिंदा है देखी ना, कोई एक एजेंट है वो बचा लेगा पूरा देश, ऐसा हो सकता है कोई एक सिंगल बंदा पूरा देश बचा दे, वही बात थी बस, और कुछ नहीं है. अभी आगे हम ऊपर जा रहे हैं, बाकी आपको जाना है मूवी देखने जाओ भाई, बस पैसा बर्बाद नहीं कहूँगा मैं, बट ठीक है चलो चलते हैं अभी ऊपर. मैं वहाँ देखो पुलिस वाले अंकल ने समझा रहे थे उन्हें कि बेटा तीन तीन मत बैठो, अंकल ने खुद से हेलमेट लगा नहीं रखा. अंकल से ज्ञान पेल रहे हैं वहाँ की तीन तीन क्यों बैठ रखे हैं. आगे वाले अंकल ने लगा रखा है, आगे वाले अंकल ने डबल हेलमेट लगाना चाहिए पुलिस को. जैसे इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, इनको बोला भी मैंने सीट बेल्ट लगाओ, पर पता नहीं क्यों नहीं बोला तुमने. ठीक है सीट बेल्ट लगाओ भाई, नहीं बोला. तो अभी चलते हैं, ग्रीन लाइट हो चुकी है.
सो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो से, टिल दैट बाय बाय।